तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डाटा हैंडलिंग। ओके, तो डाटा हैंडलिंग में क्या है, इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न्ड अबाउट कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डाटा। वी आल्सो हैव लर्न्ड अबाउट रीडिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पिक्टोग्राफ्स एंड बार ग्राफ। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट एनालिसिस ऑफ डाटा एंड डबल बार ग्राफ्स। ओके, वी हैव टू सी सम डेफिनेशन हियर। फर्स्ट वन इज डाटा, ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर इज कॉल्ड डाटा। कलेक्शन जो होता है किसी फैक्ट्स का वो क्या कहलाता है, न्यूमेरिकल डाटा डाटा कहलाता है। जैसे कि मान लो कि हम लोग किसी क्लास में गए, बोले कि अच्छा सब कोई खड़ा हो जाओ, मीन्स एक एक करके अपना अपना क्या बताओ, एज बताओ कितना है, सब कोई अपना अपना एज बताना स्टार्ट किया। तो जो लोग एज बताया, कोई 15, कोई 10, कोई 12, कोई 13, कोई 14, तो ऐसे जो भी डाटा हम लोग रिकॉर्ड करके लिखेंगे वो क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। ठीक है, अब डाटा जो है जो ऑब्टेंड होता है, मीन्स जो हम लोग लिखेंगे, जैसे एक एक करके रोल नंबर 1 से लेकर के और लास्ट तक हम लोग डाटा लिख लिए, सब किसी का एज लिख लिए, तो वह जो डाटा होगा वह रॉ डाटा कहलाएगा। ठीक है, डाटा ऑब्टेंड इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा। फॉर एग्जाम्पल 21, 24, 8, 13 यह मार्क्स बताया गया है, अगर हम लोग क्या करें एज जो हम बोले तो एज लिखा जाएगा, तो वो भी क्या कहलाएगा, रॉ डाटा। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन, ईच न्यूमेरिकल फिगर ऑफ एंट्री इन द डाटा इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। जितना भी न्यूमेरिकल फिगर्स होता है एंट्री के समय में वो सब ऑब्जर्वेशन कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो एग्जांपल दिया गया है मार्क्स का 21, 24, 8, 13, 21, 14, 20, 19, तो यह एक एक इसमें 21 अकेले 21 जो है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन। 24 हो जाएगा ऑब्जर्वेशन, 8 केवल हो जाएगा ऑब्जर्वेशन, मीन्स एक एक डाटा इसमें जो है न्यूमेरिकल वैल्यू वो क्या कहलाता है, ऑब्जर्वेशन कहलाता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स। सपोज दैट मान लो कि जो एज हम लोग पूछ रहे थे उसमें 10 लोग ऐसे थे, 10 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका जो एज है वह 12 है, तो 12 का अगर फ्रीक्वेंसी अगर कोई पूछेगा तो 12 का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि वह कितने बार रिपीट हुआ है, 10 टाइम्स। तो कोई भी ऑब्जर्वेशन जो बार बार जितने बार रिपीट होगा वह क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। ठीक है, फिर है रेंज, द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इन द गिवन डाटा इज कॉल्ड द रेंज। जैसे मान लो कि सबसे कम एज कोई बताया कि मेरा 10 है और मैक्सिमम कोई बताया कि मेरा 14 है, तो मिनिमम 10 और मैक्सिमम 14, तो 14 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, तो 4 जो आएगा वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। जैसे यहाँ पर है ये जो एग्जाम्पल ऊपर लिया गया है, मार्क्स में 21 मैक्सिमम है और 8 क्या है, मिनिमम है, तो 24 मैक्सिमम है और 8 मिनिमम है, तो 24 माइनस 8 किया गया क्या हो गया, 16। तो यह सब हो गया कुछ इससे रिलेटेड डिफिनीशंस था जिसको हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या है यह हम लोग देखते हैं। जैसे कुछ यहाँ पर डाटा लिया गया, दीज आर फॉलोस, या कुछ डाटा है, 25 टाइम्स रिकॉर्ड आवर ऑब्जर्वेशन, या 25 बार मीन्स एक डाइस को थ्रो किया गया, डाइस मतलब जो लूडो में होता है ना खेलने वाला डाइस, हाँ वही, तो जो डाइस है उसको थ्रो किया गया 25 टाइम्स और उसको रिकॉर्ड किया गया, उसको डाटा एक बार फेंका गया मान लो तो 6 है, फिर फेंका गया 5, फिर फेंका गया 1, फिर फेंका गया 3, तो वही ऐसे इसको रिकॉर्ड किया गया है। और सिंस द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लार्ज एंड अरेंजिंग इट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज अ टीडियस वर्क, वी विल टेबुलेट दिस डाटा विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो बार बार इसको क्या करना, अगर मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो बार बार 6 है तो 6 बार बार 6 लिखना पड़ेगा, 5 है तो 5 बार बार लिखेंगे, तो उससे अच्छा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से उसके डाटा को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में तीन चीज़ देखो, ऑब्जर्वेशन मीन्स जो एक एक डाटा बताए थे। ठीक है, यह नहीं कि जैसे कि वन, अगर जैसे यहाँ पर वन दो बार आया तो दो बार वन यहाँ पे नहीं लिखना है, एक ही बार वन लिखना है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी में जाके लिखेंगे, जितना बार वो आया रहेगा वन वो कहाँ लिखाएगा, फ्रीक्वेंसी में, यहाँ पे देखो 3 है ना, वैसे ही यह 2 है, 2 कितने बार आया है तो 5 टाइम्स, तो 5 लिखे, 3 है तो 3 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स,
फोर थ्री टाइम्स आया, फाइव सिक्स टाइम्स आया, सिक्स फाइव टाइम्स आया, सबको लिख दिया गया। यह जो टैली मार्क्स है, टैली मार्क्स के लिए हम लोग थोड़ा देर के बाद देखते हैं, कुछ अलग से इसमें बताते हैं तुमको टैली मार्क्स में कैसे हम लोग टैली। जैसे कि ये सिंपल समझो, अगर एक लाइन ऐसे खींचा जाता है, जैसे यहाँ पर है ना थ्री लाइन्स है तो थ्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर एक रहता तो एक लाइन खींचेंगे, दो रहेगा तो दो लाइन, थ्री रहेगा तो थ्री लाइन, फोर रहेगा तो फोर लाइन्स खींचेंगे, फाइव लेकिन जब होगा तो चार लाइन खींचेंगे सीधा, वन टू थ्री फोर, और फाइव जो होगा फिफ्थ वैसे डायगोनली इसको कट करना है। इसके पहले भी इसके बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, टैली मार्क्स में समझ में तो आ ही रहा होगा। तो यह हो गया हम लोग का टेबुलेशन फॉर्म, या टेबल के फॉर्म में इसको हम लोग लिख रहे हैं, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। अब देखो हेयर ऑब्जर्वेशन वन टू सिक्स आर कॉल्ड वेरिएबल्स। देखो वन से लेकर सिक्स तक ही नंबर जो है वो बार बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वन से लेकर सिक्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। वी कैन कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बाय द यूज ऑफ टैली मार्क्स। इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल वी राइट ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम द लोएस्ट टू हाइएस्ट, ओके। आफ्टर दैट वी कैन लुक ईच ऑब्जर्वेशन इन पुट अ टैली मार्क। मीन्स बोल रहा है कि पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स मतलब जो चेंज हो रहा है नंबर वन से लेकर सिक्स के बीच में ही सभी डाटा है, तो जो चेंज हुआ है उसको हम लोग क्या किए, लोग पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए लोएस्ट से हाइएस्ट के फॉर्म में, उसके बाद यहाँ पे काउंट करके इधर लिखना है टैली मार्क बीच में भर देना, ठीक है। और देखो फॉलोइंग आर द मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री इन फुटबॉल मैचेस ऑफ ए लीग, कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डाटा। और देखो वन थ्री टू फाइव वन फोर सिक्स ऐसे करके लिखा हुआ है, तो मिनिमम देख लो इसमें कितना है, वन है, मैक्सिमम कितना है सिक्स, तो मिनिमम वन मैक्सिमम सिक्स। अब इसी के बीच में जो भी डाटा है उसको क्या करना हम लोग को लिखना है, तो वन से लेकर के सिक्स तक लिख देंगे और उसके बाद से काउंट करेंगे वन कितना है, टू कितना है, थ्री कितना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे क्या किया गया है, डाटा बनाया गया यहाँ पे, द डाटा कैन बी पुट इन टू द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एज फॉलोज। तो वन टू थ्री फोर यहाँ पर लिख दिया गया मार्जिन ऑफ विक्ट्री, जो ऑब्जर्वेशन था किसका था, मार्जिन ऑफ विक्ट्री। अब मान लो वहाँ पर अगर एज रहता तो यहाँ पर मार्जिन ऑफ विक्ट्री जब हम लोग एज भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यह हुआ, फिर यहाँ पर वन कितने बार आया, नाइन, तो नाइन का टैली मार्क्स देख सकते हो, फोर टाइम्स सीधा और एक इधर से कट किया गया, फाइव और फोर यह हो गया, तो फोर फाइव नाइन, यह फाइव तक ही होता है, ठीक है ना। फाइव फिर टेन अगर लिखना हो तो फिर पाँच ठो ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ऐसे करके होता है, ठीक है। तो यह हो गया डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा। अब डाटा को एनालिसिस करना है कैसे, क्या डाटा में क्या एनालिसिस करना है यह देखते हैं हम लोग। आफ्टर कलेक्शन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा एंड डाटा, द नेक्स्ट स्टेप इज टू एग्जैक्ट सम यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट एज कन्वीनियंसली द एंड क्विकली एज पॉसिबल। बोल रहा है कि यह जो डाटा एनालिसिस हम लोग करते हैं इसमें क्या होता है, एग्जैक्ट सम यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम, मीन्स कोई भी डाटा जो कलेक्शन हम लोग ऑर्गेनाइज कर देंगे, टेबल बना देंगे, तो उसके बाद से उसमें से डाटा में से कुछ भी पूछा जाएगा तो हम लोग तुरंत बता सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट आ रहा है, देखो ए सिंपल वे ऑफ स्टडिंग डाटा इज टू लोकेट ए सिंगल वैल्यू टू रिप्रेजेंट द होल डाटा कॉल्ड द सेंट्रल वैल्यू। अब इसमें सेंट्रल वैल्यू क्या है हम अभी समझते हैं लोग। यह सिंपल वे, सबसे सिंपल वे होता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा को, जो भी डाटा है उसको हम लोग समझ सकते हैं। एक सिंगल वैल्यू दिया जाता है, पूरा उतना डाटा था उसका एक सिंगल वैल्यू देंगे कि जैसे कि एवरेज मार्जिन कितना था उस फुटबॉल में, ऐसे हम लोग निकाल के देखेंगे, ठीक है ना। तो सेंट्रल वैल्यू में देखो क्या क्या है, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट सेंट्रल वैल्यू मीन्स। सपोज रवि एंड किशन आर टू बैट्समैन, ओके, रवि एंड किशन आर टू बैट्समैन इन द स्कूल क्रिकेट टीम, देयर स्कोर्स इन द लास्ट नाइन इनिंग्स आर एज फॉलोज। यह रवि का स्कोर हो गया और यह किशन का स्कोर हो गया, ठीक है। नाइन इसके पहले जो नॉट मैचेस हुआ उसमें जो लो स्कोर किया इतना किया, ठीक है। नाउ इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द बेटर बैट्समैन बिटवीन द टू, अब दोनों में पूछा जाए कौन अच्छा बैट्समैन है तो कैसे बताएंगे। जैसे देखो अब कोई देखेगा इसमें हाईएस्ट मार्क्स कितना है, इसका रन है 151, ठीक है, इसमें इसका कितना है तो 103 है, तो कोई कह देगा रवि है। लेकिन ऐसे हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग को जैसे अब मान लो यहाँ पे देखो इसका 5 है, इसका 2 है, फिर 25 है, फिर 78 है, 18 है, 68 है, 0 है तो एक 0 है, 79 है, 96 है, 2 है तो 8 है, तो इसका कहीं ज़्यादा है किशन का, कहीं कम है, तो अब हम लोग कैसे पता चलेगा कौन ज़्यादा अच्छा बैट्समैन है, ठीक है ना।
तो क्या करते हैं इसके लिए सेंट्रल वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखो, सो हियर द लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर अस टू टेक एनी कंक्लूजन। अगर मान लो एक ही रहता कि एक 151 रहता और एक 103 रहता, तो हम लोग बोल देते कि हाँ रवि अच्छा बैट्समैन है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा डाटा है तो इसलिए हम लोग कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन ज़्यादा अच्छा है, कौन मतलब बेटर बैट्समैन है। नाउ इफ वी से दैट द बैटिंग एवरेज ऑफ रवि इज 44 रन्स एंड दैट ऑफ किशन इज 46 रन्स, देन वी कैन You can easily say that the performance of Kishan is better than the Ravi because 46 is greater than 44. तो देखो यहाँ पर सबसे नीचे हम लाते हैं यहाँ पर, सो हियर विद द हेल्प ऑफ एवरेज वी डिसीव्ड द कंक्लूजन क्विकली एंड इजली बिकॉज अनलाइक मेनी ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा एवरेज इज अ सिंगल नंबर दैट रिप्रेजेंट्स द होल डाटा। देखो एवरेज क्या होता है, एवरेज इज अ सिंगल नंबर, एवरेज इज ए सिंगल नंबर, यू कैन सी हियर एवरेज इज ए सिंगल नंबर। देखो एवरेज, एवरेज इज ए सिंगल नंबर दैट रिप्रेजेंट्स द होल डाटा। एवरेज एक सिंगल नंबर होता है जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है।